नमस्कार बच्चों, मैं आलोक शुक्ला, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कल रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ जारी की गई थी। आप ऐसे बोल सकते हैं कि रिजल्ट ही जारी किया गया था और उस रिजल्ट में कट ऑफ के बारे में जिक्र किया गया था और आप सभी लोगों ने उस एग्जाम का जो कट ऑफ देखा था लगभग 90% से ज्यादा, 90% से कम, थोड़ा कम 90% बोलेंगे तो 90% लगभग आपका कट ऑफ रेडियो ऑपरेटर का था। और ये कट ऑफ क्या रियलिटी लगता है, मैंने एक वीडियो बनाया था, एक नोटिस आई तो ये समझते हुए कि चलो बच्चों को बता दिया जाए कि हाँ भाई आपका रिजल्ट आ गया है, बट ऐसा कोई वीडियो बनाने का बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं होती है कि जब ऐसा लगता है कि बस ये एक मैं नोटिस बना रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है ही नहीं। सेलेक्ट नहीं हुआ है कहने का मतलब कि कोई जेन्युइन बच्चा सेलेक्ट हुआ ही नहीं है। सेलेक्ट तो हुए ही है, देखा जाए तो अगर टोटल 2430 पदों में 1300 समथिंग पद आपके किसके थे, केवल असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के थे, जिसपे लगभग 4200 पदों का आया था। और कर्मशाला जो आपका कर्मचारी था उसपे 120 पदों पे, उसपे भी लगभग 350 के आसपास उन्होंने बच्चों को क्या किया है, वहां पे सेलेक्ट किया है। तो इनमें दोनों का ही कट ऑफ निकाला गया और दोनों ही कट ऑफ आसमान को छू रहे थे। मुझे इससे पहले, क्योंकि एक मैं आपसे बोलता हूँ कि अंदर से मन क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी 2 साल पहले 1 साल पहले ही आप जैसे बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई एएसआई वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे और उस वैकेंसी में भी यही हुआ था कि अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा कट ऑफ था, लेकिन उस परीक्षा में भी इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं था जितना रेडियो ऑपरेटर में कट ऑफ था। बच्चों से बात किया जाए तो बच्चे लगातार बोलते हैं कि सर उसका पेपर का लेवल बहुत ज्यादा था, कई सारे मेरे बगल में चीटिंग कर रहे थे, स्क्रीन शेयर हुआ था, ऐसे बहुत सारी चीजें बाद में आई। सही बताऊं बच्चों कि अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि आप ये सब सुन के क्या फील करते हो, तो मेरा दिल करता है कि बस अब लगता है कि जीवन खत्म हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। वाकई में इतना ज्यादा दुखदाई कोई कुछ नहीं होता। जब आप मन से मेहनत करो, आप होप बनाए रहो, आप लगातार 2 साल से 1 साल से इंतजार कर रहे हो, घर के परिजनों को, अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को ये बार बार बताते हो कि इस बार बहुत अच्छे नंबर हैं, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, अब सारे दुख कटने वाले हैं, और जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि हम कहीं सिलेक्शन की क्या बात, हम उसके आसपास कहीं मंडरा ही नहीं रहे। कट ऑफ इतना ज्यादा है जो शायद हमारे अपेक्षाओं से बाहर है। मैं कहता हूं अगर 100 चीजें हो तो 100 में अगर पेपर ले लिया जाए तो 10 गलतियां तो मतलब कितना कोई कितना बड़ा भी एक्सपर्ट होगा, एग्जाम टेम्परामेंट में करता ही है, तो 100% में 10% तो गलतियां होती होती हैं। और 4500 बच्चा 90% के ऊपर नंबर पा रहा है, ये लिटरली क्या है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला डेटा है। तो अभी इस चीज को लेके लगातार जब से बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, लगातार कॉल कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों से लगातार शुरू से जुड़ाव रहा है। ये ऐसी वैकेंसी थी, यूपीएसआई एएसआई हो गई, रेडियो ऑपरेटर हो गई, जहां पे परीक्षा प्लस क्या अगर नाम देखा जाए तो सबसे पहले आता है। आपके लिए बहुत सारी चीजें हम लोगों ने किया भी है और वो जुड़ाव मन से है। कितनी बार भर्ती बोर्ड जाना हुआ, कितनी बार रेडियो संवर्ग के लोगों से वहां पे बोल सकते हो अधिकारियों से मिलना हुआ, पिछली बार भी रेडियो संवर्ग के अधिकारी हम लोग भरद्वाज सर से मिले थे, तब भी आपको बहुत सारी सूचना देते। इस बार भी जैसे ही ये आया हमने अपना संपर्क बनाया और ये बात उनको कान में डाली और कई सारे हमने मेल भी दिए, मैं आपको मेल का साक्ष्य भी दिखा दूंगा, तो कई सारे हमने मेल भी दिया। हालांकि एक चीज में भर्ती बोर्ड को बहुत इस बात का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि भले ही कुछ भी समझते हो, चाहे एक मन से लगाव हो मुझसे या फिर हम बच्चों से या आपसे, हमारी बात कम से कम वो सुनते। और उन्होंने अभी तुरंत ही क्या किया, ट्विटर हैंडल पे इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट, ये अभी आज ही का है, बिल्कुल ताजा ताजा, और ये कहीं ना कहीं आप सभी के प्रयासों से जो आप लोग जागरूक हुए हो, जो मेल कई सारे बच्चों को मैंने बोला आप भी मेल करो, मैंने भी मेल किया, और कहीं ना कहीं जो हमारी टेलीफोनिक कॉल हुई उनसे संबंधित इस पे देखा जाए तो आया है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के नकल विहीन भर्ती एवं नकल के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति प्रतिबद्धता के आलोक में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड परीक्षा परिणामों के संबंध में संशोधित मानक प्रक्रिया, ये इन्होंने क्या किया है, एकदम नई प्रणाली ले आए हैं। और नई प्रणाली में क्या कर रहे हैं कि परीक्षा परिणामों के संबंध में ये एग्जाम जो रिजल्ट में हाई कट ऑफ जा रहा है उससे संबंधित एक नया एक गाइडलाइन बनाए हैं, जिसमें इन्होंने संशोधित मानक प्रक्रिया क्या लाया है के तहत सहायक परिचालक कार्यशाला कर्मचारी के डीवीपीएसटी के लिए आहूत 100% अभ्यर्थियों के सीआरएल तथा एग्जाम डे परफॉर्मेंस डेटा को थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जा रहा है।
अब क्योंकि 90% उन्हें भी लग रहा है कि हाँ भाई 90% सही नहीं है, और इस कारण से उन्होंने आपके रिजल्ट को, जो रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट था, उसे क्या के लिए अंडर रिव्यू रख दिया है। इनमें क्या करेंगे, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जाएगा। हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि जिनको भेजा जाएगा उन्हीं का बोल सकते हो गारंटी है कि वही उसको सही तरीके से जांचेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर पेपर लीक का मामला हो या फिर धांधली का मामला हो, चीटिंग का मामला हो, इसमें भर्ती बोर्ड का कोई हाथ नहीं होता। सही बात तो यही है, क्लियर ही है। इसमें कोई भी आयोग, कोई भी भर्ती बोर्ड, कोई भी जो परीक्षा नियंत्रक होता है वो ये नहीं चाहता है कि उसके नाम पे क्या लगे, उसके नाम पे कलंक लगे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो धांधली वगैरह करते हैं वो नीचे के लोग होते हैं, जो सॉल्वर गैंग होते हैं, जो ये गिरोह होते हैं, या फिर जो बोल सकते हो कि जहां पे टेंडर जाता है वहां पे जो ऑनलाइन सिस्टम जब होता है स्क्रीन शेयर करवा देते हैं, या प्रिंटिंग प्रेस वालों से अगर कोई पेपर मिल जाता है, जैसे कांस्टेबल और आरओ में हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट हो गया, तो जो नीचे के लोग होते हैं, जो बोल सकते हो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास लोग होते हैं, जो कर्मचारी बिल्कुल मतलब केवल ठेके पे काम करते हैं, जो लेबर वर्ग होता है, वो ये दुस्साहस करने का बोल सकते हो कि उसके अंदर साहस आता है, तो ये काम भर्ती बोर्ड नहीं करती। तो उस पर विश्वास कर सकते हो कि अगर उसने आपके लिए पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे ये किया है तो थोड़ा सा जिनविन करेगा। दूसरी बात, यह कार्य देश की सर्वोच्च शिक्षण संस्थाओं में से एक द्वारा किया जाएगा, जिसमें कई सारे IITs और IIITs की बात चल रही है कि वो करेंगे, बहुत सारे NITs होंगे, वो इस पे क्या करेंगे, जांचेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो डेटा हैं, बहुत सारे डेटा इसमें टेक्निकली इसका क्या किया जाएगा, स्टैटिस्टिकल डेटा का इवेल्युएशन किया जाएगा। मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। साथ में बहुत सारे संस्थान ऐसे भी होंगे, जैसे कुछ UPSC के हो गए, राज्य स्तरीय UPSSC हो गए, इनके जो अधिकारी होंगे उनके साथ भी मीटिंग करके ये पूरा जांचा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सभी परीक्षाओं परिणामों में स्वच्छतापूर्ण संपादन के लिए प्रतिबद्ध है, ये परीक्षा नियंत्रक ने अभी अभी कहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये है क्या आपका CRL और एक्स्ट्रा डे परफॉर्मेंस डेट, इन दोनों को मैं आपको बताता हूं। CRL क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग CRL का जैसे नाम सुने, CRL को बहुत सारे लोग गूगल भी करने लगे, तो CRL का जो मेन इंफॉर्मेशन आपको आ रहा है, कॉमन रैंक लिस्ट आ रहा है। CRL IITs वगैरह, IIITs वगैरह, NITs वगैरह में चलता है, वहां पे जो काउंसलिंग होती है उनके लिए बिना किसी कैटेगरी के, बिना मेल फीमेल SC ST OBC हटा के सबका एक कॉमन लिस्ट लगाया जाता है, उसके हिसाब से काउंसलिंग होती है, वो ये नहीं है। CRL का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, ये कंप्रेहेंसिव रिकॉर्ड और डेटा बेस होता है। इसे क्या बोलते हैं, CRL कंप्रेहेंसिव रिकॉर्ड और डेटा बेस लिस्ट बोलते हैं इसे। तो यही आपका क्या है, All the pertinent informants about a candidate's performance over the years. इनमें इन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई बच्चा, जैसे सपोज करिए कि कोई बच्चे का नाम है, उसका सिलेक्शन है, तो उसका पूरा कम्युलेटिव रिपोर्ट देखा जाएगा कि उसका 10th में क्या नंबर था, उसका 12th में क्या नंबर था, उसका ग्रेजुएशन में क्या नंबर था, क्या वो भर्ती बोर्ड की और किसी परीक्षा में बैठा है, उसमें नंबर इसका कितना है। तो पूरा कम्युलेटिव डेटा निकालेंगे, उसका पूरा इतिहास खंगालेंगे, और अगर कहीं पे प्रश्न चिन्ह लगा तो उस बच्चे को फिल्टर आउट कर देंगे और उस पर फर्दर इंक्वायरी बैठेगी, फर्दर टेस्ट होगा। ये आपका क्या है, CRL। दूसरा क्या है, एग्जाम डे परफॉर्मेंस डेटा। एग्जाम डे परफॉर्मेंस डेटा में यह चेक किया जाता है कि बच्चे ने किसी पर्टिकुलर सेक्शन में करने में कितना समय लिया है, कितने क्वेश्चन उसने किए हैं, कितने एक्यूरेसी है, क्या जितने एवरेज बच्चों की एक्यूरेसी गिर रही है, क्या इस बच्चे की भी एक्यूरेसी गिर रही है। दूसरी बात यह कि क्या किसी सेक्शन में बहुत ज्यादा नंबर है, किसी सेक्शन में बिल्कुल कोई नंबर नहीं है। तो इन सारे डेटा को भी क्या किया जाएगा, इन सारे डेटा को भी, जिसे एग्जाम डे परफॉर्मेंस डेटा बोला जाता है, इसके आधार पे किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है, और हो भी क्यों ना, अगर कट ऑफ की बात किया जाए भाई, अगर आप देखोगे तो ये आपके क्या है, ये आपके रेडियो ऑपरेटर के कट ऑफ है, 1374 पदों के लिए 4200 समथिंग बच्चे हैं और 358 आउट ऑफ 400। इसे अगर 360 पढ़ा जाए बुरा नहीं है, 90% कट ऑफ अनारक्षित का गया है। इवन महिलाओं का देख लो 341, यार बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि यह आंकड़ा साफ नहीं दिखता। मैं कल की भी वीडियो में बोला था कि भाई कट ऑफ तो हाई जा रही है, नो डाउट कि कट ऑफ हाई जा रही है, वो उसका एक अलग भी कारण है, रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हाई चला जाए फिर उसमें कोई ना कोई हाथ दिखता है। मैंने कल भी बोला था कि मैं मानता हूं कि धांधली हुई होगी, लेकिन फैक्ट ये है कि कट ऑफ हाई जा रहा है और हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बट धांधली तो हुई है। और हमारे प्रयास से, क्योंकि एक बात बच्चों समझना, मैं हो सकता है ये 2 मिनट थोड़ी सी लंबी ज्यादा हो जाए, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, मैं UPSI हुई भर्ती की बात करूं, UPSI नागरिक पुलिस की, मैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की बात करूं, जहां पे लाखों में फॉर्म के आवेदन होते हैं, लाखों में बच्चा होता है, वहां पे व्यूज के लिए, अपनी कमाई के लिए हर संस्था सामने खड़ी हो जाती है, इको गार्डन में खूब नारे लगते हैं, लेकिन ऐसे
ऐसी वैकेंसी जहां पे पद कम होते हैं। पिछली बार यूपी एसआई एसआई की वैकेंसी हुई, उसमें कितने पद थे? मुश्किल से बहुत कम पद थे, एक लाख भी फॉर्म नहीं पड़ा था। रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी हुई, इन सारी वैकेंसीज में जहां पे बच्चे ज्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, संस्थाएं हाथ नहीं डालना चाहती, और ऐसे में तब आपका साथ देता है परीक्षा प्लस। और आप में से बहुत सारे बच्चे, बहुत दिल से दुख होता है इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे उल्टा सीधा अनाप शनाप बोल के चले जाते हो, यकीनन मन बैठ जाता है कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करना है। फिर दिमाग में आता है, अंतर मन करता है, नहीं यार बच्चे अपने हैं ना, अभी नादान है, अभी इतने मैच्योर नहीं है, शायद अभी गुरु से परंपरा नहीं समझ रहे हैं, इनके अनजाने में एक के किसी गलती से बाकी बच्चों का कोई नुकसान ना हो जाए। और फिर वो मन करता है कि उठाओ फोन, मिला दो पुलिस भर्ती बोर्ड पे कि आखिर ये क्या हो रहा है, उठाओ मेल, लगा दो मेल, डाल दो मेल कि ऐसा क्या हो रहा है, ताकि बच्चों के लिए एक न्याय की लड़ाई लड़ा जा सके। आपके साथ मैं भर्ती बोर्ड चलने के लिए हमेशा तैयार था, तैयार हूं, और अभी भी बोल रहा हूं, कोई भी आवश्यकता पड़ी तो मैं आपका बड़ा भाई, नंगे पैर चलूंगा भर्ती बोर्ड आपकी मदद करने के लिए। ये मेरे शब्द हैं, और इस शब्द को आप हमेशा अपने जहन में बिठा लीजिएगा, मैं शब्दों से कभी पीछे नहीं हटता हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये तो नो डाउट अनएक्सपेक्टेड है बहुत ज्यादा। उसके बाद बात किया जाए यहां पे कम साला का कर्मचारी का, तो इसमें 352 गए हैं भाई, ये भी कम नहीं है, ये भी लगभग देखा जाए 90% के आसपास ही है, इसे कम नहीं बोल सकते हो। ऐसे अगर बात किया जाए, ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं, ये जैसे पिछले यूपीएसआई एएसआई की परीक्षा थी, 400 में से 313 गया था, तब भी हमने आवाज उठाई थी, लेकिन तब 2 साल पहले ना ही इतने सारे तो बच्चे होते नहीं है, उसमें भी आप में से 50-60 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें से 3-4 हजार सीरियस कैंडिडेट थे, उसमें से भी 100-150 बच्चा केवल हमारे साथ खड़ा होता है। और पिछली बार भी भर्ती बोर्ड जब हम लोग गए थे, हार्डली 100-150 बच्चा हुआ था, लेकिन फिर भी उन 100-150 बच्चों के बल पे हमने सेकंड लिस्ट निकलवाई थी, हमने बाकी सारे काम मनवाए थे, लेकिन ये शायद प्रोसीजर पिछली बार नहीं था, इस बार कर दिए हैं कि ऐसे बच्चों का फिर से जांच किया जाए, जो आपके दिल की बात, जो आपके मन की बात होती है। अगर यहां पर भी जांच हुआ होता, यकीन मानिए परीक्षा प्लस का एक एक बच्चा सेलेक्ट हुआ होता। जब पहली लिस्ट आई थी, हम तरस गए थे लिस्ट में अपने बच्चों का नाम सुनके, लेकिन हमारे प्रयास से जब लिस्ट दोबारा आई, जब सेकंड लिस्ट आई, तो 90% से ज्यादा बच्चा केवल परीक्षा प्लस का सेलेक्ट हुआ था, वो दिल खुश हुआ था। और मैं फिर बोल रहा हूं कि आज भी रेडियो ऑपरेटर के इस कट ऑफ में किसी कोचिंग का, मैंने ही नहीं, किसी कोचिंग के एक बच्चा का नाम नहीं मिलेगा जल्दी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100 के 100% 4200 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो बच्चे कुछ जेन्युइन भी होंगे, लेकिन लेकिन धांधली के चलते उनके ऊपर भी क्या लग रहा है, लांछन ही लग रहा है, इस बात को आप समझते हुए चलिएगा। और वो बच्चे भी बोलते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वो भी बेचारे पीछे जा रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा का 303 गया था, फाइनल इसका जो गया था, फाइनल अगर आप देखोगे तो स्टेनो का 293 गया था, महिलाओं का 265, और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ये आपका जो एएसआई मिनिस्ट्रियल और विजिलेंस वाला गया था 325.4, 325-400 में से कट ऑफ, आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कट ऑफ होता है। ये कट ऑफ भी ओरिजिनल कट ऑफ नहीं था। मैं फिर से, दिल रो रहा है मेरा, इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, पुराने हमारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, और फिर से नई वैकेंसी आ रही है यूपीएसआई एएसआई की, फिर से वैकेंसी तो आ ही गई है, एग्जाम लगा हुआ है, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है, तो हमारा दिल नहीं रोएगा क्या कि अगर बच्चों के साथ गलत हो गया? तब बच्चा मेहनत करता है, वो टारगेट अपना फिक्स कर रहा है कि सर हम 320 कर लेंगे, हम 330 कर लेंगे, सर मेरा टारगेट है किसी तरह 160 क्वेश्चन 200 में से कर लूं, 170 क्वेश्चन कर लूं, और उसके बाद भी मैं जानता हूं जितना टारगेट बनाते हो उससे 2-3-5 क्वेश्चन कम ही रह जाता है, और कट ऑफ 190 क्वेश्चन चला जाए तो वो बच्चा क्या रहेगा, टूट जाएगा। उसने 6 महीना, 1 साल, 2 साल अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से दूर रह के एक कमरे में तैयारी किया है, और वो बच्चा जब लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, बच्चा कमेंट में जानते क्या कहता है, बच्चा कमेंट में कहता है कि पढ़ाई करने से अच्छा है कि इन नकलचियों से हाथ मिला लो, शायद सिलेक्शन हो जाएगा, 100 में 100 नंबर तो हम नहीं ला पाएंगे। अब उसे देख के क्या क्या दिल पे बीतेगी, आप खुद इस बात को समझ सकते हो, ये सीन है। तो ये बात अगर आप देखोगे, ये आपका पिछली बार कंप्यूटर ऑपरेटर बच्चों ये कट ऑफ गया था, इस बार अगर फाइनल कट ऑफ 136 गया था, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही आपके कट ऑफ अगर हाई जाते गए, तो मैं एक चीज तो आप सभी को बोलूंगा, ये अनक्षर बी था जो फाइनल कट ऑफ था 323 आपका एएसआई मिनिस्टर वाला, यूपी पुलिस एएसआईएम, यूपी विजिलेंस वाला, ये ध्यान दीजिएगा।
तो अगर कट ऑफ ऐसे हाई जाते गए तो यकीन मानिए कि सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज दूंगा, एक चीज बताऊंगा कि आपको मेहनत करना है, आपको कट ऑफ कुछ भी यहां पे जा रहा है, आपको अपनी तरफ से सबसे पहली बात तो ये नहीं करना है कि हमारा नंबर कम रहे, जो आपसे मेहनत हो सकती है वो मेहनत करिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों को भी बता दूं, पिछली बार कट ऑफ 225 और 185 गई थी क्रमागत दोनों वैकेंसियों में, और इस बार भी कट ऑफ इसके ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसके लिए सतर्क रहना होगा, हमें इसके लिए आगे आना होगा। अभी तो भर्ती बोर्ड ने बात सुन ली है, अभी तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस पे सही प्रक्रिया नहीं हुई तो मैं आपसे जाते जाते एक शब्द बस पूछना चाहूंगा, एक उत्तर पूछना चाहूंगा, अगर मैं फिर से भर्ती बोर्ड गया तो आप में से कितना बच्चा मेरे साथ आएगा, बस ये कमेंट करके बता देना। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।